तन पुलकित अपना, मन पुलकित अपना, मुनि पुलक करें पुलकित, कि धरती हुई सारी हर्षित। पुलक चरण की धूल से कांटे हो गए फूल से। वाह रे मेरे मस्त फकीर, क्या रूप तुम्हारे, बच्चों में बच्चे, युवा में युवा, व वृद्धों के सहारे, अधरों पर खिलती मुस्कान, खिलखिलाता आकर्षक व्यक्तित्व, राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी का। पद से सुशोभित किया, फिर 11 दिसंबर 1995 के मंगल दिवस पर वीक्षण आए, जब गुरुवर पुष्पदंत सागर जी ने विशाल जनसमूह के बीच पारस को पुलक सागर कहकर पुकारा। इस पुकार में सभी सांसारिक एवं दैविक संबंधों की पुकार थी। उस क्षण के बाद इस कवि हृदय राष्ट्र संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनकी ओजस्वी वाणी एवं सृजनात्मक चिंतन से प्रत्येक आयु वर्ग, चाहे बच्चे, बूढ़े या जवान ही क्यों ना हो, अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। बचपन से ही मुझे कुछ अलग करने की चाहत थी। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं यही सोचता था कि मुझे सामान्य जीवन नहीं जीना है, मुझे साधारण लोगों जैसा जीवन नहीं जीना है। मैं अक्सर इस सोच में डूबा रहता था। मैं स्कूल भी जाता था, पढ़ता भी था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है कि शादी करूं, विवाह करूं, व्यापार करूं, बिजनेस करूं या सर्विस करूं और पूरी जिंदगी इसे मैं खपा दूं। मेरी ये सोच थी, मैं बेचैन रहता था। मेरे पास सोच तो थी लेकिन मेरे पास दिशा नहीं थी। बहुत सोचता था कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं सामान्य लोगों से अलग जिंदगी जी सकूं। और एक दिन मेरे छोटे से गाँव में आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज पधारे और उनको जब मैं पहली बार मैंने देखा तो देखता ही रह गया। और उस दिन मुझे भीतर से आवाज आई कि तेरी सोच को एक दिशा मिलने वाली है। उन्होंने मुझे दिशा दी और मैं उनके साथ हो लिया। अब मेरे पास दिशा थी लेकिन गति नहीं थी और मेरा मन बहुत जल्दी करता था कि मुझे जल्दी आगे बढ़ना है। और मेरी जिंदगी में आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज पधारे और जैसे ही वो मेरे जीवन में आए
तो मेरी दिशा को एक गति मिली, तो मेरी एक सोच, सोच को मिली दिशा और दिशा को मिली एक गति, और मेरे गुरुओं की कृपा से मैं गतिमान हुआ और आज यहां तक मैं पहुंचा हूं, आपके बीच हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैं साधु बनने के बाद भी मेरे जेहन में, मेरी आत्मा में, मेरी रूह में एक ऐसा द्वंद चलता है कि मुझे पंथवादी नहीं बनना है, मुझे परंपरावादी नहीं बनना है, मुझे किसी का अनुगामी नहीं बनना है, मुझे अपने आनंद में जीना है, अपनी साधना में जीना है। और यही वजह है कि मैं किसी से होड़ नहीं करता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूँ, अपनी सोच में जीता हूँ। तो जो सोच मेरे बचपन से थी वो सोच आज मेरे साथ है और उस सोच को मैंने साकार भी किया है, उस सोच में मैं जी भी रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सामान्य लोगों से अलग जीना मेरे नेचर में था और मैंने ये पथ चुन लिया।